हम आपको बताएंगे कि WhatsApp से किसी को भी आप अपना पेमेंट कैसे भेज सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के बाद। तो सिंपली करना क्या है, सिंपली अपना WhatsApp ऑन करना है। अगर अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कर लें, और अगर नहीं, अगर अपडेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली अपना WhatsApp ओपन करें और किसी का भी आप इनबॉक्स खोलें। यहाँ पर आपने इनबॉक्स खोल लिया, उसके बाद यहाँ पर आप जहाँ से फोटोज़ वगैरह भेजते हैं उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिस पर एरो बनकर आ रहा है अभी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कैमरा के नीचे आपको पेमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी उन सारी बैंक्स की जो इंडिया में एक्टिवेट हैं, जो हैं मतलब, ठीक है। यहाँ से आप अपना बैंक, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाली बैंक सिलेक्ट कर ली यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सभी लोगों का जो नंबर होता है, फ़ोन नंबर, वो बैंक में कनेक्टेड होता है, यानी कि लिंक्ड होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेरीफाई वाया SMS। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक OTP आएगा, और OTP जैसे ही आएगा आपका अकाउंट WhatsApp से लिंक हो जाएगा और आप WhatsApp पर किसी से भी लेन देन कर सकते हैं, फाइनेंशियल लेन देन, ठीक है। इस तरीके से आप पैसे भेज सकते हैं किसी को भी। अभी रिचार्ज वगैरह का तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर अभी आप अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट जो होता है उसे लिंक करके आप पैसे भेज सकते हैं WhatsApp से। आपको पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इस तरह का कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली WhatsApp से कर सकते हैं। आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तब भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। तो होता क्या है, तो WhatsApp से आपका अकाउंट लिंक होगा तो आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं 1 सेकंड में। तो ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।